त्यो ड्याममा हो पुरा पानी रहेछ के गर्छ चाहिँ माछा मार्ने ठाउँ फुलको ड्याम हामीहरू आइरहेको छौँ हो माछा मार्नुको लागि ठुलो ठुलो माछा छ हो अनि तपाईँले पानी चाहिँ अब थाहा छैन कति छ हो अब मुनि उत्रिन्छौँ त माछा तपाईँको यहाँ एरियामा ठुल्ठुलो माछा छन् अनि सबैजना मिलेर सन्डेको दिन रहेछ छुट्टी पनि छन् अनि सबैजना आएर हल्का प्रोग्राम पनि गरेको नहुँदै पनि हुन्छ माछा मराइ पनि हुन्छ भनेर अब आयौँ सबैजना साथीहरू जति छ हाम्रो टिमहरू अहिले जाली लिएर पनि आउने अनि जाल ल्याएर ठुल्ठुलो माछाहरू पनि मार्ने फ्राई गरेर खानुपर्छ यहाँ आज आज छुट्टीको दिन हाम्रो राजवंशीको पहिला बैशाख आज बैशाखमा हल्का रमाइलो गर्नु अब यहीँनिर नुहाइ धुवाइ गरेर हल्का माछा फ्राई गरेर खाने हो सबैजनाले अब हाम्रो साथी हो साथी पनि आउनु भएको छ रमाइलो गरौँ है अब पुरा घुम्दैछ हाम्रो कन्ट्याक्टदार हाम्रो लालपुल मनाउने फेमस ठाउँ हो युट्युबमा पनि छोडेको छन् लालपुलको ड्याम हो अनि अब अहिले थोरै थोरै मान्छे छौँ पहिला त धेरै धेरै हुन्थ्यो र एकछिन बादमा आज यहाँनिर अझै मान्छे आउँछन् हो मान्छेको म्याक्सिमम् गरे पनि तपाईँको 500-600 मान्छे हुन्छन् हम लोग कहते हैं झिंगे माछा अगर देखिए ये बकेट में भर्ती हो चुके ये बहुत बड़ा बड़ा बाल्टी है उठा भी नहीं सकता एक हाथ से और अभी हम लोग मच्छरदानी बड़ा बड़ा मछली भी है लेकिन हम लोग पकड़ नहीं पा रहा है अभी क्योंकि बहुत ही पानी है और देखिए हम लोग हमारा हालत ख़राब हो चुका है ऐसे मिट्टी में ऐसे ऐसे मछली पकड़ना है ऐसे करके ये देखिए ऐसे आप लोग अच्छे से मछली पकड़ सकते हैं तो आप लोग भी आइए यहाँ पे तालाब में ये देखिए मेरा दोस्त ने फिर पकड़ लिया पुठी ये देखिए पुठी ऐसा तो बहुत सारा मछली है लालपुलको त्यो ड्याममा हो पुरा पानी रहेछ के गर्नु चिसो छ पानी कस्तो खालको यो चाइनिज यो खाले चाइनिज चो हो यो खाले अनि झिङ्गे माछा छ कति कति भेट्यौँ हामीले खै कति कति भेट्यौँ एक बाल्टी हुनु आँटेछ आज पुरा पार्टी हुने पर्यो है ठुल्ठुलो ठुल्ठुलो पनि भेटिन्छ है ठुल्ठुलो भेटिन्छ 10-15 किलो हुने रहेछ यो त चान्दनी यार चेहरा तोर लम्बा लम्बा बाल रे जुल्फी गिराई के मके लुभाई के ए सजनी मके त तार पाइसला गुजरीला छेडे बरो बरो गुजरी मार्छ हामा निचा माछ पछि बरो बरो आला नदी भित्र छि हामा थाहा उति बोली माछ मार्मु होला है बोली माछ मार्बर भए हामा होला जाल आन्बा गिसी है ते जाल आनि दे कि गर्छ त हामा त चालिक गुजरी बेचिली सो गाइस अभी हम लोग ये डैम राके मछली बहुत सारा पकड़ चुका है ऑलरेडी और देखिए बकेट में ये भर्ती हो चुका है देखिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा मछली है इसको पानी में खपता जैसा रखकर इसको बनाया जाता है और खाने के लिए बहुत ही स्वाद बोले तो ये इसको हम लोग घोंगी बोलते हैं ये लंबा वाला है और जो दूसरा वाला है ये चपटा वाला घोंगी है ये आपको बड़ा बड़ा समुद्र में बहुत ही सारा है इसलिए हम लोग पकड़ने के लिए 5 लोग आए और ये लोकेशन क्या था पुल डैम इधर में आप गर्मी का दिन में नहा भी सकता है बहुत ही बढ़िया है ब्यूटीफुल व्यू को दिखाता हूँ आप सभी को भी अच्छी तरह से देख पाए ये जगह को गर्मी लगे तो आप लोग आ जाए हाथ पर कुछ खाने पीने का सामान लेके और यहाँ पे इजीली आके मजे ले सकते हैं और देखिए भाई ऐसे नहाना है इंस्टा कैमरा है अब वाटरप्रूफ नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा ही रिकॉर्ड कर पाया चलिए देखते हैं इधर का फिर बैक साइड वाला